हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। सुबह की चाय। आज थोड़ा सा लेट उठी, जब तक पता नहीं बच्चों की छुट्टियाँ ऐसी हैं लेट ही उठा जाता, थोड़ा लेट सोते हैं, रूटीन बहुत चेंज हो रखा है। तो अब सुबह की चाय पी रही हूँ, आइए आप लोग भी पी लीजिए। और आज मैं करूंगी अपने घर की सफाई। ऐसा है कि 3-4 दिन से मैं रेगुलर बाहर जा रही हूँ और घर की सफाई उतनी नहीं हो पा रही जितनी मुझे करनी चाहिए या होती है। मेरे घर में झाड़ू पोछा नॉर्मल हो जाता है, पर अब जैसे कपड़े फैले हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सच्ची में मैंने 3-4 दिन से कपड़े धोए, प्रेस नहीं किया। आप देखिए, वेट कीजिए, और ये देखिए पूरी कुर्सी ऐसे पूरी ये प्रेस के कपड़ों से भरी हुई है। डस्टिंग नहीं हुई है मंदिर में या किसी भी चीज में। चद्दर चेंज करनी है। ये कुछ काम ऐसे मेरे जो मैं करती रहती हूँ रेगुलर, लेकिन 3-4 दिन से नहीं हुई। तो आज का व्लॉग मेरी सफाई पे भी, और कहीं बाहर जाते हो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन आज अभी कोई ऐसा खास डिसाइड नहीं है बाहर जाने के लिए, वैसे वो हमारा अचानक होता है। लेकिन आज मैं अपने घर की सफाई जरूर करूंगी, क्योंकि अरे एक तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, टाइल की वजह से या हमारे गेट खुले रहते हैं इसकी वजह से। हमारे फर्श पे ना 2-3 दिन अगर कहीं कोने में झाड़ू या पोछा ना किया जाए तो वो रुई के वो क्या बोलते हैं, अजीब सा एक वो, मैं शब्द नहीं ले पा रही हूँ क्या बोलते हैं, पर वो कूड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब कल यहाँ से भारती की हमने चेयर हटाई, अब ये रैक पे वैसे सफाई होती रहती है लेकिन वो थोड़ा सा अलग सा हो रखा है, वहाँ पे रेत रेत सा। अब उसमें सारे में मैं आज अच्छे से झाड़ू और पोछा करूंगी और अपनी सफाई भी बताऊंगी और एक एक दो टिप्स भी बताऊंगी जो मैं अपनी सफाई को लेकर करती हूँ। चलिए अपने घर को सुधारते हैं। डेली अपने साथ अपना घूमने को छोड़ के आज मैं अपना दिन अपने घर को दूंगी। अब सबसे पहले अपने प्रेस वाले कपड़ों को बाहर निकाल देती हूँ, कोने में वह रोज कल कल होते रहते हैं। तो शुरुआत यहीं से, और ये देखिए कल के ऐसे पड़े हैं। बेटी के लिए टी शर्ट मंगाई थी, वो भी इन्हीं कपड़ों में पड़ी है। ये देखिए, अब ये तो हो गई प्रेस वाले कपड़े। आपको टी शर्ट दिखाती हूँ, मैंने मिंत्रा से मंगाई। अशु काफी दिन से बोल रही, अरे तो गर्मी आती है ना, बच्चों के कपड़े चेंज होते रहते हैं, तो ये कल के ब्लॉग में ली मैंने। तो एक तो काफी अच्छी आई है, देखी कलर भी कितना अच्छा, कपड़ा काफी अच्छा है इसका, तो इसको तो हम रख लेंगे। और एक आई है ये, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, पर ये थोड़ी सी क्रॉप है। मतलब वो क्रॉप कपड़े पहन लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी थोड़ी सी हम चाहते थे ट्यूशन के लिए थोड़ी सी लेंथ अच्छी हो, और ये थोड़ी सी लूज भी है उसके हिसाब से। क्रॉप भी देखी जाए तो उसके हिसाब से बहुत चौड़ी है, तो इसको हम वापस देंगे और इसको हम रख लेंगे। चलो अर्जुन पैक करो अब उसको। ये देखिए, मैं अपना डस्टिंग का कपड़ा लेके अपनी जोत वाले कमरे की मैं सफाई करने लगी। थोड़ा थोड़ा सफाई करते हैं तो क्लीन रहता है, अच्छा लगता है। कोई भी अदर गेस्ट आ जाए तो अच्छा लगता है कि घर साफ रहता है। अगर आप 2 दिन भी किसी चीज़ पे कपड़ा ना मारो तो बारीक वाला रेत जम जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है, पूरा बंद रहता है घर, पर्दे लगे रहते हैं, फिर भी रेत इतना ज़्यादा हो जाता है। तो हर दूसरे तीसरे दिन सफाई करनी होती है, तो मैं उसमें कर देती हूँ। और मैंने अक्सर ये देखा है, मेरे साथ ये होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है। आप डेली घर साफ कीजिए, कोई भी नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन चद्दर खराब हो, तकिया इधर उधर रखे हों या बर्तन फैले हों, उस दिन गेस्ट जरूर आते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, फिर ऐसा फील होता है अरे आज ही घर गंदा था और आज ही गेस्ट आ गए। इतना दिमाग खराब होता है, जब सफाई करते तब कोई नहीं आता, घर गंदे में कोई ना कोई आ जाता है। ये हमारा पूजा का कमरा है, 2 वक्त जो पूजा होती है तो दिया जलता है, उसकी वजह से ये जो ब्लैक हो जाती है दीवार, ये हमने पेंट करवा रखी है। तो मैं हर कुछ दिनों में इसको पेंट को साफ कर देती हूँ। अभी तो मैं कपड़ा मार रही हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं स्पंज और सर्फ पानी में डाल के उससे मैं इस दीवार को साफ कर देती हूँ। हमने एक एक पेंट करवा रखे दीवार पे प्लेन, तो मैं उससे क्लीन कर दूंगी तो बिल्कुल साफ हो जाती है, और ये इतने सालों से ऐसे ही चमक रही है, बिल्कुल क्लीन हो जाती है। देखिए, अब मैंने बोला था कि खिड़की देखिए, बिल्कुल खिड़की बंद होती है, पर्दे लगे रहते, फिर भी पता नहीं छोटे छोटे किनारों में रेत कहाँ से आ जाता है। ये बहुत कम खुलता है, जिस दिन पर्दे हमें धोने होते हैं उसी टाइम हम पर्दों को हटाते हैं या सफाई करनी हो तब, नहीं तो बिल्कुल नहीं हटाते। फिर भी बारीक रेत आ रखा है इसमें, मैं अच्छे से सफाई कर देती हूँ। मैं अपने बालों को लेती हूँ बांध, मेरे को करने परेशान सफाई के वक्त। Yeah.
अब इतना बारीक रेत इकट्ठा हो रखा है, कोई ये कह ही नहीं सकता कि मैंने उस दिन पहले ही सफाई की थी घर की। पर्दा जरूर रहता है पर ये होता है ना थोड़ी सी सफाई हो जाए, बाई चांस कोई हटाए करेगा, पूरे में रेत इकट्ठा हो रहा है। अब वो क्लीन हो गया बिल्कुल। ये देखिए पूजा रूम मेरा बिल्कुल साफ हो गया और मम्मी पूजा भी करके चली गई, आज मैं ही लेट हूँ। ये देखिए एक की तो हो गई है सफाई, बाकी पूरा फ्लैट मेरा बचा है। और जब एक जगह सफाई करते हैं तो बाकी बिल्कुल फैल जाता है। पूजा रूम साफ करने के बाद मैं अपने हॉल में आ गई। मैंने एक कमरा और साफ कर दिया था। सोफे के कवर बिछे हुए ये लगा लीजिए 10 दिन हो गए होंगे। मैंने सोचा इनको भी चेंज कर देती हूँ क्योंकि बच्चे बैठते पढ़ाई करते हैं, इंक गिरा देते हैं, कुछ भी। मेरा बेटा खासकर कुछ ना कुछ गंदे कर देता है। और हफ्ते 10 दिन में मैं वैसे भी चेंज कर देती हूँ क्योंकि अच्छे नहीं लगते, डस्ट हो जाता है तो गंदे लगते हैं। तो मैं नए कवर बिछा देती हूँ। मैंने कुशन कवर भी इवन निकाल दिए, मैं उनको भी साफ करूंगी। और जब भी हम सफाई करें तो हम चादर चेंज, कुशन चेंज या कवर चेंज करते हैं, उसके बाद डस्टिंग करते हैं, तो वो सफाई अलग ही दिखती है और बिल्कुल अच्छा लगता है, क्लीन और साफ। और मुझे तो वैसे भी सफाई बहुत पसंद है। तो ये देखिए मैंने अपना घर बिल्कुल चमका दिया है। खुशी मिलती है जब हम मेहनत करते हैं और घर चमकता हुआ नजर आता है तो कितना अच्छा लगता है। मैंने झाड़ू और पोछा लगा दिया। पोछा मैं बैठ के नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे बैक पेन है, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, मेरी पैरों की हड्डियों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो मुझसे उकड़ू या जैसे पैर फोल्ड करके बैठते हैं ऐसे बैठा नहीं जाता, डॉक्टर ने मना किया हड्डियों की वजह से। इसलिए मैंने खड़े वाला मॉप ला रखा है पोछा, उसी से मैं पोछा लगाती हूँ। लेकिन मैं पोछा बिल्कुल अच्छे से लगाती हूँ, उससे भी टाइट करके 2-3 बार अच्छे से पोछे को धो के पानी चेंज करके सोफों को हटा के बेड के नीचे, क्योंकि ये बहुत लंबी डंडी है, मैं अभी नया खरीद के लेके आई थी, ये मिल्टन का काफ़ी अच्छा है, डंडी भी काफ़ी अच्छी है इसकी और काफ़ी लंबाई बहुत अच्छी है, तो ये नीचे तक चला जाता है बेड के नीचे तक। सोफे हटा उठो के मैंने अच्छे से साफ कर दिया क्योंकि ये डेली का काम है, इतना तो मैं डेली ही करती हूँ। बाय चांस मुझे कहीं आना जाना पड़े या मैं जल्दी में हूँ तो अलग बात है, नहीं तो इतनी सफाई तो रेगुलर होती ही है हमारी। थोड़ी सी मेहनत और देखिए मेरा घर बिल्कुल साफ हो गया है। 3-4 दिन में इतनी सफाई हुई है घर में, बिल्कुल क्लीन हो रखा है। ये देखिए मैंने अच्छे से बिल्कुल पंखे भी सब कुछ साफ कर दिया। कुछ क्लिप मैंने शूट नहीं की, अगर सारी क्लिप शूट करती तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन मैंने अच्छे से अपने घर की सफाई कर दी है। इवन मैंने अपने दोनों घर की सफाई, फ्लैट के आसपास सामने जो आमने सामने दोनों के फ्लैट की सफाई कर दी है। सुबह का खाना मैंने कढ़ी बनाई आज और आटा गूंधा है। वो किचन का काम मैंने पहले कर दिया था क्योंकि जब मैं सफाई में लग जाती हूँ तो मैं किचन में हाथ नहीं लगाती हूँ। अब मैंने पूरी सफाई खत्म कर दी है, अब मैं खाना बनाऊंगी क्योंकि पापा बाहर गए थे इसलिए आज हम खाना बनाने में लेट हो गए। अब वो आए हैं तो उनके लिए और मम्मी के लिए मैं खाना बना देती हूँ। एक फ्लैट का काम खत्म करने के बाद मैं अपने किचन में आ गई। पापा नहा लिए थे और मौसी आ रखी थी, वो बैठी हुई थी, तो मैंने फटाफट, वो चाय नहीं पीती हैं तो मैंने सोचा वो खाना खाएंगी, वैसे उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मैं जल्दी से खाना बनाने लगी क्योंकि लेट हो गए थे। हमारे यहाँ मम्मी पापा लास्ट 9, 9:30 या 10 बजे तक खाना खा लेते हैं, 10 लास्ट होता है, लेकिन आज 11:30 का टाइम हो गया था क्योंकि पापा कहीं गांव में कहीं गए थे। और मम्मी भी जब भी खाना खाती है, जब पापा आ जाते हैं कहते हैं वो दोनों का एक ही साथ बना लिया कर, इसलिए मैंने उनके लिए भी नहीं बनाया था। अब वो आए हैं तो मैं दोनों का एक साथ बना दूंगी, फिर भारती, मैं, मेरे हस्बैंड रह जाएंगे, उनके लिए मैं बाद में बनाऊंगी जब वो खाएंगे, क्योंकि अलग अलग टाइम पे नहाते हैं, नहाने के बाद ही सब खाना खाते हैं, पहले नहीं खाते हैं। तो जो जिस टाइम नहाएगा उसके बाद खाना खाएगा, मैं उसके साथ साथ बना दूंगी। और इसके बाद थोड़ी सी मेरे काम में स्पीड आ जाएगी क्योंकि एट द टाइम कुछ भी डिसाइड नहीं था। अचानक मैं खाना बना रही, जब मैं खाना बना रही थी तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलते हैं, एक्चुअली हमें जाना था शो के स्कूल, तो उन्होंने कहा अभी चलते हैं, पहले ये डिसाइड नहीं था और मैंने, मेरा काम बिल्कुल फैला हुआ था। अब उन्होंने बोला तो मुझे फटाफट करना पड़ा, तो मैंने देखिए पापा का खाना बना दिया है। पापा को भी कढ़ी अच्छी लगती है मेरी तरह, तो हमारी तो फेवरेट है। तो यहाँ तक किचन का काम मैंने खत्म कर दिया। मैं कर रही थी आराम से अपने घर की सफाई जब तक सुबह तक कुछ भी डिसाइड नहीं था और मैंने काम पूरा फैला लिया था। उसके बाद कह रहे हैं चलो चलो, एकदम से अचानक डिसाइड हो गया,
वो भी आपको पता चले कहाँ जा रहे हैं। मैं बहुत जल्दी में हूँ उस टाइम, पता नहीं कैसा, या तो पहले बता देना चाहिए ताकि मैं काम ना फैलाऊं। अब मैंने पूरा काम ऐसे फैला लिया है, अब ये देखो आधा काम सच बताऊं तो मैंने छोड़ दिया और अब मैं जा रही हूँ। नीचे पहुंच गया, फटाफट हॉर्न मारेंगे, आ गई ना बस। रुकिए तो, अब रही हूँ मैं, जा साइड में से छिल रही है, आ गई धूप में क्यों खड़ी करवा रहा है यार, क्या खड़ी कर दूंगा। हम आ गए वापस और हमारे साथ क्या हुआ मैं अभी बताती हूँ आपको। ऊपर मैं ऊपर चली जाऊं, ऊपर आ गई मैं। अब देखिए हमारे साथ क्या हुआ, मैं गई थी आज अर्शु के स्कूल उसकी कॉपी लेने के लिए, क्योंकि बुक्स हम लेके आ गए थे, कॉपियां रह रही थी, तो मंडे से स्कूल खुल रहे हैं, मैं कॉपी लेने चलते, तो एकदम से डिसाइड हो गया हम निकल गए कॉपी लेने के लिए। अब वो फोन पे पेटीएम कार्ड सब कुछ ले लिया हमने कि भी किसी से भी पेमेंट कर देंगे, चलते हैं। पहुंच गए, ऐसा हुआ कि मेरा, मेरे हस्बैंड का और हमारे पापा का, तीनों का एक ही अकाउंट में, मतलब बैंक में अकाउंट है, और उसका हो गया सर्वर डाउन, और यहाँ इवन भारती का भी सर्वर डाउन। अब वहाँ पेमेंट की बारी आई, परेशानी इतनी ज़्यादा हो गई कि कोई भी काम नहीं कर रहा था, ना फोन पे, ना पेटीएम, ना कार्ड, कुछ भी नहीं। और जल्दी जल्दी में हम कैश लेके नहीं गए, क्योंकि ये था कि दो तीन ट्रांजेक्शन की चीज़ें हम किसी से भी पे कर देंगे, और वो हुआ ही नहीं। अब वापस आ गए हैं, अब देखते हैं मंडे को फिर जाना पड़ेगा। अब आ गए हैं, क्या करें। तो कैश हमेशा लेके चले, मेरा मानना है, मेरे हस्बैंड कहते नहीं फोन पे पेटीएम कर देंगे, और मुझे अच्छा लगता है कि कैश लेके चलना चाहिए। हमें रास्ते में यही बोल रही थी कि कैश लेके चलना चाहिए था तो अच्छे रहते, पर मानते नहीं है। चलो भाई अब आ गए हैं, देखेंगे मंडे को आ जाएंगे बुक्स, मैं तो कॉपी या बुक्स ही लेनी है, देखते हैं। ये डाल लिया दोपहर का खाना अपना और हस्बैंड का, अब खाना खा लेते, भूख लग रही है बहुत जोर से, क्योंकि 1:30 बज गया हमारी। दोपहर में खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया, ज्यादा देर तो नहीं, फिर मम्मी के सूट में लग गई थी, क्योंकि वो 2 दिन का रखा हुआ था और मैं सिल नहीं पाई थी, मैंने काट तो दिया था, मैं आपको बता दी थी। और मैंने ये देखिए पूरा सूट सिल दिया है, सिर्फ तुरपाई रहती है वो बाद में कर दूंगी, बाकी सूट पूरा सिल गया और मम्मी ने पहन के देख लिया है, वो बिल्कुल ठीक आया है। अब अपनी चाय पीते आराम से बैठ के, फिर प्रेस करूंगी, आज प्रेस का बहुत तगड़ा काम है, बिल्कुल कुर्सी भरी है ठाडी, तो प्रेस पे लगते हैं अब, एक काम और नेक्स्ट पकड़ते हैं। ये रहे हमारे प्रेस के कपड़े, और अब लगेंगे हम प्रेस पे। गाइस को दिखा दो
हाँ ये देखिए, ये भारती का नया क्या है, उड़न खटोला। अच्छा सा नाम रखो इसका, अच्छा सा। शाम को मैं चली गई गर्व को लेने के लिए। गर्व को लेके आने मुझे टाइम लग गया क्योंकि आशी होमवर्क दे रही थी। तब तक मम्मी ने किचन का ज़्यादातर काम ख़त्म कर दिया था। फिर मैं आई तो मम्मी बोली आप रोटी बना लो क्योंकि भूख लगी है, खाने का टाइम हो गया। तो इसलिए मैंने फटाफट सबके लिए खाना बनाया। मम्मी ने ही आज सब्जी बनाई, सॉरी आलू पालक की, काफ़ी अच्छी बनी थी। आप होते अगर आपके पैर से अगर ऐसे नीचे गिर तो ना, तो फिर उसके लिए ये बताओ कैसे, खोलो यहाँ पे करो, ऐसे करो और यहाँ पे लगाओ और फिर यहाँ पे डेमो दे। इसने सारा कर रखा है कसी। सुबह तो मैंने इसको वहाँ पे जोड़ दिया था खुद, सिर्फ बैटरी में थोड़ी दिक्कत है। क्या बनाया? और इसको जितना डाइट चाहिए। ये देखिए हमारा बन गया रात का खाना। आज हमने बनाई है आलू पालक, इस सुबह की कढ़ी बच गई थी, मेरी फेवरेट है सैलड। और ये चटनी बनाई थी धनिया की, इसमें मैंने सीत में मिला ली और ऊपर से जीरा डाल सकते हो तो बहुत अच्छा रायता बन जाता है। इसमें हरी मिर्च और लहसुन डाल के बनाया है। और ये देखिए ये है हमारा अभी रात का खाना। मैंने आज पूरी प्रेस कर ली, एक दो सूट ही बचा है, उसके अलावा मैंने सारा ख़त्म कर लिया। उसके बाद मैं गर्व को लेने के लिए चली गई, मुझे बहुत टाइम लग गया क्योंकि मम्मी का सूट किया, उसके बाद मैं प्रेस पे बैठ गई, फिर गर्व को लेने गई। तो आज मम्मी ने बनाई है सब्जी, आज आलू जो पालक बता रही थी उसकी सब्जी मम्मी ने बनाई, चटनी और आटा गूंथ दिया था। मैं फटाफट गर्व को लेके आई, उसके बाद मैंने खाना बनाया, सबको खिला दिया, अब मेरी बारी है। लेकिन आज का खाना मोस्टली सारा मम्मी ने ही बनाया है। अब मैं आराम से खाना खा लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ मैं अगला काम क्या करूँगी। हेलो, रात के बज गए हैं 11। मैं अभी गर्व को पढ़ा रही थी, सारा काम खत्म हो गया तो ये घंटा उसको दिया मैंने, अब वो नहा रहा है, बाकी सारा काम खत्म हो गया। यहाँ तक था ये मेरे पूरे दिन का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ तक मेरा चैनल देखने के लिए थैंक यू, बाय।